हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेशियल जो मैंने घर पर ही बनाया था। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, मैंने चावल का फेशियल घर पर बनाया था, प्रॉपर पूरा फेशियल, स्क्रब से लेकर मॉइस्चराइजिंग क्रीम से लेकर सीरम से लेकर और मास्क, हर चीज़ मैंने घर पर बनाया था, टोनर, क्लिंजर, हर चीज़ मैंने घर पर बनाई हुई थी। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसे किस तरीके से बनाना है मैंने उस वीडियो में बताया था। और अब मैं ये फेशियल खुद कर देख रही हूँ, और ये फेशियल मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक ये फेशियल मैंने बनाया कैसे है वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देखो यार, देरी किस बात की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और इसे करना कैसे है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने बनाया क्या क्या चीजें हैं। तो ये है टोनर और क्लिंजर का काम करेगा ये, और देखिए कितनी ज्यादा क्यूट सी बॉटल है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी हुई थी, अगर आपने वो हॉल नहीं देखा है तो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए क्यूट सी टोनर की बॉटल। और नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, हम करते हैं स्क्रब। तो स्क्रब मैंने ये बनाया हुआ रखा है, ये देखिए। तो मैंने आपको हर चीज बताई है ये किस तरीके से हमें बनाना है, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करी हुई है उस वीडियो में। और उसके बाद हम लेते हैं स्टीम, जो आज मैं नहीं ले पाऊंगी अभी, क्योंकि अभी रात का 12 बज रहा है, तो अभी मेरे लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मतलब थर्ड स्टेप हमारा स्टीमिंग का होता है, तो वो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बट आप स्टीम ज़रूर लेना है स्क्रब करने के बाद। और उससे नेक्स्ट स्टेप होता है चारकोल मास्क का। तो आज तो मैं चावल का फेशियल कर रही हूँ, तो मैं चारकोल मास्क नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ, ये बनाई है मैंने क्रीम, आप देख पा रहे होंगे ये मैंने क्रीम बनाई हुई है घर पर ही मॉइस्चराइजिंग। तो नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम का, तो ये मैंने बना ली है। और उससे नेक्स्ट स्टेप होता है मास्क का, जो मैंने बना लिया है, जो अभी थोड़ा सा थिक है, इसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सीरम का, तो सीरम मैंने ये बना कर रखा हुआ है अभी फ़िलहाल एक टाइम के लिए, जितना ये देखिए एक टाइम के लिए जितना मैंने बनाया हुआ है, और एक्स्ट्रा सीरम के लिए मैंने आइटम इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। तो हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करी है पुरानी वीडियो में, मैं इस वीडियो में अभी आपके साथ हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने ये हर चीज़ आपको बनाकर दिखाई है किस तरीके से बनाना है करके। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और ये जो मैं आपको फेशियल आज दिखाने जा रही हूँ, मतलब ये चमत्कार है यार, बाय गॉड सच्ची बोल रही हूँ। मतलब इतनी वेस्ट वाली चीज़ों से ये मैंने बना रखा है, मतलब चावल का माड़, मतलब जो चावल का जो पानी होता है उससे ये पूरा बना हुआ है। तो चलिए फेशियल भी करते रहते हैं और बातें भी करते रहेंगे। तो गाइस, फेशियल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब बटन के बगल पर ही होता है बेल आइकन। मेरे चैनल पर हर 10 दिन में गिव अवे अनाउंस होते रहते हैं, अब भी मेरे चैनल पर गिव अवे चल ही रहा है और हमेशा 10 दिन में गिव अवे आते ही रहते हैं। बहुत सारे विनर्स विन कर चुके हैं और इन फ्यूचर भी अच्छे अच्छे विनर्स विन करेंगे। बस आप मेरे चैनल पर रियल रहना, जो मैंने आपके लिए रूल्स वाली वीडियो बनाई हुई है उसे फॉलो करते रहना, तो आप अच्छे अच्छे गिव अवे विन करेंगे। और जो लोग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कुछ लोग कम रूल्स के कारण ही डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो सिर्फ एक बार के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, और जो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई आते हैं उन लोगों का तो क्या ही कहना, वो हर बार चीटिंग करते हैं और हर बार फेक चीज़ें करते हैं, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो परमानेंटली मैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देती हूँ, फिर मैं इन फ्यूचर कभी भी उन्हें गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दूंगी। तो गाइज, रियल रहो, फेक मत रहो, और अच्छे अच्छे यार मेरे साथ इक्वेशंस बनाओ अपनी, और अच्छी यार फ्रेंड्स वाली फीलिंग आनी चाहिए, बहन वाली फीलिंग आनी चाहिए यार, ये फेक चीज़ें मत करो। आपका और मेरा ही चैनल है यार, ये किसी और का तो है नहीं, तो फेक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, रियल रहो जितना हो सके। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं चावल वाले फेशियल की तरफ। तो गाइज, ये देखिए मेरी लास्ट का रिज़ल्ट है मेरे फेस का, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फेस, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, मेरा फेस एकदम डीप क्लीन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिले। और ये जापानीज़ यूज करते हैं राइस की चीज़ें, तो राइस के वो फेस पैक यूज करते हैं, राइस की वो फेशियल किट यूज करते हैं, राइस का ही टोनर यूज करते हैं, तो वो आई थिंक इसीलिए इतना यूज करते हैं इसे, बिकॉज ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो आप भी ये वीडियो को पूरा का पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी पार्ट, क्योंकि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा सा फेशियल चाहिए, वो भी फ्री का, ज़ीरो बजट का, घर की ही चीज़ों से बना हुआ है ये, बिल्कुल भी मैंने ऐसा कोई चीज़ यूज़ नहीं करा जो
आपके पास ना हो, हर चीज़ आपके पास होगी ये वाली। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फेशियल है यार, चावल के माड़ से बना हुआ, जो चावल का पानी होता है उसे ही माड़ बोला जाता है, तो उससे बना हुआ ये फेशियल है। तो यार आप बिल्कुल ट्राई करना इस फेशियल को, और मैं कई बार ये चीज़ कर चुकी हूँ इसलिए आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आई हूँ, और आप मेरे फेस का रिजल्ट देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इसे यूज करके। फेस एकदम मतलब लाइटनिंग सा हो गया है यार, फेस एकदम मतलब वाइट सा हो गया है, और अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है, सॉफ्ट सा हो गया है, और इतना अच्छा सा ग्लो आ गया है यार फेस पर, आप खुद देख सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, कैमरे में हर चीज़ नहीं दिख पाती है, बट अगर आप मुझे ये लगाने के बाद पर्सनली देखते तो शुरू का फेस तो अभी के फेस में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता। आप एक बार ट्राई करो ना, आपको खुद नज़र आएगा सीरियसली। तो चलिए आप लोग वीडियो को इन्जॉय कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यूज करने जा रही हूँ टोनर। तो ये है हमारा चावल का प्यारा सा टोनर, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी बॉटल में मैंने रखा हुआ है। ये आपका क्लिंजर का भी काम करेगा और टोनिंग का भी काम करेगा। तो ये देखिए मैंने एक ये पैड ले लिया है छोटा सा, ये बेला बोस्ते का पैड है, और मैं इस पर स्प्रे कर रही हूँ थोड़ा सा, और जस्ट मैं इससे अपने फेस को क्लीन करूँगी। तो मैंने एक बार कर लिया है और फिर मैं एक बार और करूंगी। तो मेरा फेस तो क्लीन हो गया है एकदम से, इसने मेरा टोनर का भी काम करा और क्लिंजर का भी काम करा, और ये मैंने स्टोर करके रख लिया है नेक्स्ट टाइम के लिए, ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो ये मैंने स्टोर करके रख लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्क्रबिंग का, और ये मेरा स्क्रब बनके एकदम रेडी है। आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मोटा मोटा सा आपको लग रहा होगा, क्योंकि जो मेरे चावल थे वो मैंने आधे से और छोटे करे हुए हैं, बट ये फिर भी ठीक है, और स्क्रब ऐसा ही होना चाहिए। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इससे थोड़ा और बारीक स्क्रब मतलब यूज करना अपने फेस पर, इतना ज़्यादा मोटा स्क्रब मत यूज करना। तो स्क्रबिंग कर लेते हैं अब। तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली है स्क्रब के लिए, बनाया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, बिकॉज चावल हैं तो वो पानी को सोख लेते हैं। तो आपको क्या चीज़ करनी है इसके लिए, जब भी आपको ये अप्लाई करना है तो जो ये मैंने बॉटल में रखा हुआ है एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो उसे आपको इस पर हर बार मिक्स करना है,
जितना आपको लिक्विड चाहिए हो आप उस हिसाब से इस पे इसको मिला सकते हैं। तो ये देखिए जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना इस पर डाल दिया है, और अब मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ, अपना मास्क अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैं अपने हाथ पर ये मास्क को निकाल लूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं अभी कम निकालूँगी, उसके बाद मैं फिर से ले लूँगी क्योंकि मुझे वो स्टोर करके रखना है। अगर मैं इसी तरीके से इसे निकालूँगी तो वो फिर फिंगर्स वगैरह लग जाएंगी, तो फिर वो मैं स्टोर नहीं कर पाऊँगी। तो अब मास्क को मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा मास्क अप्लाई हो गया है अच्छे से, और अब मैं इसे सूखने दूंगी कम से कम 7-8 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे आकर मिलती हूँ। तो देखिए मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। एक्चुअली मैं किचन में काम पर लग गई थी और फिर मैं वहीं फेस वॉश करके आ गई। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया यार, मतलब घर का हमें बना हुआ, हमने मतलब फेशियल करा हुआ है, और कितने ज़्यादा बेनिफिट है चावल के, लाइक सीरियसली यार। पता है मैं जब भी इसे यूज करती हूँ ना फेस मतलब एकदम इतना वाइट लगता है, मैं क्या बताऊँ, आप खुद देख सकते हैं यार, वाओ। अगर आप होम रेमेडी में राइस यूज करेंगे तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल बेनिफिट आप ले सकते हैं। और आप मेरे फेस को खुद देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आया है, आप शुरू वाली क्लिप देखिए और अभी की क्लिप देखिए, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा, फेस ना एकदम क्लीन हो गया है गाइज। मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, मैं जब भी इसे यूज करती हूँ मेरा फेस एकदम क्लीन हो जाता है। मैंने कम से कम इसको 6-7 बार यूज करा है, उसके बाद मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये होता है कि थोड़ा पहले खुद ट्राई कर लो, एक बार बेनिफिट मिल गया, दो बार मिल गया, थोड़ा रहता है कि कर लो। और हर बार ना मैं थोड़ा ऐसे ही रैंडमली बना लेती थी, जैसे चावल बना रही हूँ घर में खाना खाने के लिए तो उसी टाइम मैं बना लेती थी, तो स्पेशली ऐसा नहीं हो पाता था कि मैं वीडियोज़ के लिए बनाऊँ, मैं हाथों हाथ उसी टाइम काम कर लेती थी सारा, तो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती थी। तो आज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, मतलब स्पेशली मैंने चावल ही आप लोगों के लिए पकाए, वो अब मैं कल उनको फ्राई करके खा लूँगी, इट्स ओके कोई बात नहीं। बट और टाइम क्या होता था, मैं चावल का वो जो माड़ होता है वो ऐसे ही निकाल लेती थी और बाद में फिर मैं बना लेती थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती थी। बट आज मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करा, बिकॉज यार
मुझे लग रहा था कि मतलब करना चाहिए, जब इतना अच्छा है तो फिर टाइम निकालो भाई, करो अपनी बहनों के साथ ये चीज़ शेयर। तो इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए दो वीडियो बनाई हुई हैं, एक में मैंने आपको प्रॉपर बताया है किस तरीके से बनाना है और एक में प्रॉपर बताया है किस तरीके से लगाना है और इसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है यार, मतलब एकदम क्लीन हो चुका है और इतना मतलब ठंडा सा मतलब लग रहा है फेस, क्या बताऊँ, और फेस एकदम साफ लग रहा है। मैं आपको सच्ची मुच्ची बता रही हूँ, जब मुझे नहीं इतने रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इतने रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले, बट जब मिले हैं तो मिले हैं यार। तो यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये मास्क। और तो गाइज़ वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, तो डेट्स इट गाइज, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही होता है एक छोटा सा बेल आइकन, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज उसी से आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती हैं और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप उनके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और आप जानते ही हैं हर 10 दिन में मेरे चैनल पर गिव अवे अनाउंस होते रहता है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर लीजिए, बस रूल्स फॉलो करिएगा और आप जल्दी से जल्दी विन करेंगे। और ऑल द बेस्ट गाइज, मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट मेरे पास से विन करें और आपके पास एक प्यारी सी मेमोरीज रह जाए मेरी तरफ से गई हुई। तो ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, जल्दी ही मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर।